हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, अवर चैनल डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ऑफिशियल। मैं आपकी डॉक्टर प्रियंका और ये है मेरी मम्मी। और आप सबने जैसे पूछे बहुत सारे क्वेश्चन, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं रिप्लाई करूंगी। मेरे बारे में क्वेश्चन पूछे हैं जो इसका जवाब आपको चाहिए मम्मी से, तो ये पूरा वीडियो इसी के बारे में है। तो बने रहिएगा पूरे वीडियो में, बहुत इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन है, उनका इंटरेस्टिंग सा आंसर है। लास्ट तक वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो शुरू करें। सही जवाब देने वाली है और कैसे लग रहे हैं गंदे सीन के आगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो अब मैं एक एक करके क्वेश्चंस पिक करूंगी और जो क्वेश्चंस सिमिलर टाइप के हैं तो उनको एक में ही आंसर करूंगी, आंसर आप सबको मिल जाएगा। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन एक है सुख वाला अनामिका, दीदी बचपन में भी इतनी ही इनोसेंट थी या मस्तीखोर थी? नहीं, मस्तीखोर थी। इनोसेंट नहीं थे? थी, लेकिन मस्तीखोर भी थी। तो हम बचपन से ही मस्तीखोर है। पापा भी सुन रहे हैं, खड़े होकर के सोच रहे हैं हम भी कुछ आंसर कर दें क्या। एक ने पूछा है सरदा तिवारी जी ने कि बेसिकली आप लोग कहाँ से हो? तो बेसिकली हम लोग हैं बस्ती से, पर अभी गोरखपुर से है मम्मी का घर, मतलब मेरा मायका गोरखपुर में है। तो बेसिकली हम लोग हैं गोरखपुर से। कुछ कुछ जवाब हम भी दे देंगे। शिखा शर्मा जी ने पूछा है कि सेम क्वेश्चन है कि शादी के पहले भी ऐसी हंसमुख थी या शादी के बाद हंसमुख हुई है? नहीं, ऐसे ही थी, बहुत ही हंसमुख थी। तो हम पहले से ही ऐसे हैं, शादी के बाद वो हंसी बरकरार रही, ये मेन बात है। बिंदु सिंह ने पूछा है कि अभी इतनी कॉमेडी करती हैं प्रियंका जी कि बचपन में भी थी ऐसी, और या मतलब ऐसी ही थी इतनी प्यारी और कॉमेडी वाली, या अभी ऐसी हो गई हैं? सेम क्वेश्चन ही है, रिपीटेड है। पल्लवी दुबे ने बोला है कि आप तो खुली किताब हो, पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। थैंक यू पल्लवी। चेता जी ने बोला है कि लगता नहीं कुछ पूछने की ज़रूरत है, जिनकी माँ इतनी प्यारी हो बच्चे प्यारे होंगे ही, माँ की परछाई हो आप। ये बात सही है कि मम्मी को देखने के बाद लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम ऐसे क्यों हैं जो मेरी तारीफ करते हैं, वो मम्मी की वजह से। और हाँ, अभी मैं यहाँ वीडियो को थोड़ा सा ब्रेक देके पहले मम्मी का छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी। मम्मी का खुद आप देंगी या हम बताएं आपके बारे में? मम्मी का नाम है उमा शुक्ला और ये बॉर्न हुई थी 11 अक्टूबर 1964 में, और ये उस टाइम की ग्रेजुएट है, बड़ी बात है। तो ये मम्मी और मौसी, मतलब उस टाइम पढ़ाई, हाई स्कूल इंटर पढ़ना बहुत बड़ी बात होती है, उस टाइम उन्होंने ग्रेजुएशन किया था विद गुड मार्क्स। तो पढ़ी लिखी हैं, पापा भी हैं ऑब्वियसली, पापा तो मेरे पुलिस डिपार्टमेंट में रहे, तो मम्मी ग्रेजुएट है। और इसकी वजह से ही हम लोग को मम्मी पापा ने पढ़ाई पर इतना जोर दिया, हम तीनों भाई बहनों की, कि जितना भी पढ़ना चाहते थे, PhD से हाईएस्ट डिग्री कुछ होती नहीं है। तो पूरी मेरी जो एजुकेशन है उसका क्रेडिट इनको जाता है, पीछे पापा खड़े सुन रहे हैं, उनको जाता है क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर तो वही थे। पापा ने PG किया हुआ था बट उनका PG कंप्लीट नहीं हो पाया था क्योंकि उनकी जॉब लग गई थी। हाँ, MCOM कर रहे थे वो। तो पापा MCOM है मेरे, मम्मी ग्रेजुएट हैं, फिर हम लोगों को तो ऑब्वियसली इसे ज़्यादा पढ़ना था। और मम्मी का यही ड्रीम था, मम्मी पापा का, कि हम लोग पढ़ लिख के खूब आगे बढ़े। पढ़ लिख के जो भी आज हैं इनकी वजह से है। तो ये यहाँ पे है मेन रीज़न। अब क्वेश्चंस लेते हैं। ऋतु नटवाल ने पूछा है कि ये इतनी ड्रामेबाज, मतलब हम इतने ड्रामेबाज शुरू से थे या अभी हुए हैं? पहले भी थी, जब ये 6-7 साल की थी तो ये बाहर जाती थी और कॉपी और पेन ले करके जाती थी, वहाँ पे चिट्ठी लिखती थी मेरे नाम, उसके बाद बाहर से आके बोलती थी पोस्टमैन। जब मैं दौड़ जाती थी चिट्ठी फेंक करके और छुप जाती थी, फिर मैं उठा के पढ़ती थी और हंसने लगती थी। तो ड्रामेबाज हम बचपन से थे। आश्रय ने पूछा है कोई ऐसा किस्सा मेरी शरारतों का जो हमेशा याद ही आ जाता हो हमें देखने पर, जब अभी हम मायके जाते हैं तो हमें देख के कोई मेरी ऐसी शरारत है या नहीं है? ऐसी तो बहुत सारी शरारतें हैं जो कि अगर हम बताने बैठेंगे तो बहुत समय कम पड़ जाएगा। अब कौन सी होता है? कोई एकाध शरारत? एक शरारत तो भी अभी 3.5 साल की थी, तब की है कि मैं बक्से में बैठ के कपड़े लगा रही थी और पता नहीं कब इसने एक पैर का सैंडल उसमें डाल दिया। मैंने कपड़े लगा के बक्सा बंद कर दिया, फिर जब बाद में इसकी सैंडल ढूंढी तो मुझे नहीं मिली,
मैंने ऊपर नीचे हर जगह जाकर ढूंढा, इसने भी साथ में ढूंढवाया लेकिन नहीं मिली, इसके लिए नई खरीदी गई। बाद में जब बक्सा खोला तो मिली, तो समझ गए इसी की शरारत है। तो ये छोटी सी शरारत थी छोटी उम्र की, उसके बाद बहुत सारी शरारतें हैं मेरी। प्रेरणा जी ने पूछा है कि मम्मी को आपकी रील्स कैसी लगती हैं? मेरी रील्स आपको कैसी लगती हैं? बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, मुझे बहुत ही प्राउड महसूस होता है, बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि मेरी बेटी है। थैंक यू। दमन कोहली ने पूछा है, इसके अलावा कई लोगों ने क्वेश्चन पूछा है। सारिका जी ने पूछा है कि जब प्रेग्नेंट थी आप तो आपने ऐसा क्या खाया था कि मेरी ऐसी टैलेंटेड बेटी पैदा हुई? अब ज्यादा तो नहीं कुछ खाया था, तीखा ज्यादा खाया था, खट्टी इमली ज्यादा खाई थी इसलिए खट्टी इमली जैसे हो गए। तो खट्टी इमली खाई थी, तीखा ज्यादा खाया था इसलिए मेरे ऐसी तीखी लड़की हुई है। तो ये क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा, बहुत लोगों का क्वेश्चन था, नाम नहीं मिल पा रहा है, कई सारे लोगों ने पूछा था। सुमित शर्मा ने पूछा है सेम क्वेश्चन की, बताओ दीदी बचपन से ऐसी प्यारी और नटखट थी? तो जी हाँ, बचपन से ही ऐसे हैं। अच्छा एक क्वेश्चन पूछा है सरता तिवारी जी ने, जो पापा भी पीछे सुन रहे होंगे, कि आंटी आपको ज्यादा प्यार करती है या अंकल जी को, मतलब हम दोनों में से किसको ज्यादा प्यार करती है, हमको या पापा को? हम तो दो ही करते हैं। पापा का नंबर बच्चों के बाद लगता है। वाह। तो हर माँ का शायद ये जवाब होगा कि बच्चे पहले हो जाते हैं और पति फिर बाद में हो जाते हैं, क्योंकि वो तो है ही, वो कहाँ जा रहे हैं, तो पहले ही मिल चुके हैं। पहले ही मिल चुके हैं। सेम क्वेश्चन शिखा शर्मा ने जी पूछा है, बिंदु सिंह ने पूछा है कि बचपन में ऐसी हंसमुख थी, प्यारी थी या अभी हुई? सेम क्वेश्चन कई लोगों ने रिपीटेड पूछे, तो उसका आंसर मम्मी ने कर दिया है। और रोशनी पांडे जी ने कहा है कि दीदी आपकी मम्मी बहुत सीधी सादी है, क्यूट सी। तो हाँ, वो बहुत सीधी सादी है और बहुत क्यूट है, शी इज द क्यूटेस्ट। स्नेहा पाठक जी ने पूछा है गंदी आदत प्रियंका जी की। गंदी आदत तो ऐसी कोई नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी जिद्दी थी। अब नहीं है, अब नहीं है, अब नहीं है, समय के साथ बदल गई। कभी जिद करती थी, कभी एक आध जिद याद है, ज्यादा नहीं। अभी भी वैसे ही है, कभी जिद वैसे नहीं करती, लेकिन कभी कभी जब जिद पे अटक जाते हैं तो परेशान करते हैं अपने हस्बैंड को भी। सोनम दुबे ने वही पूछा है, का खाए कि पैदा किए है बाटू, मम्मी इतनी मल्टी टैलेंटेड बिटिया के कौनो टिप्स दा प्लीज, वैसे ऐसे दूसर हो तो नामुमकिन बा। ये देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैमरा क्लोज करके चलिए। हाँ तो आपने तो खुद ही बोल दिया कि मेरे ऐसा होना दूसरा नामुमकिन है, तो फिर भी टिप्स दे दीजिए भाई, का खाए के पैदा कर ले बाटू हमें। बस हमने सोचा था हमको प्यारी सी गुड़िया होगी। तो हो गए, बस सोच अच्छी रखिए, हो जाएगी मेरे जैसी बेटी। यादव जी का लड़का, इन्होंने पूछा है आंटी क्या प्रियंका दी, पिंकी दीदी बचपन में भी बदमाशी करती थी, क्या दीदी को बचपन में किचन में इंटरेस्ट था? बचपन में बहुत बदमाशियां करती थी, किचन में तो इतना इंटरेस्ट था कि ये लास्ट में कहती थी हम दो रोटी बनाएंगे, हम कहते थे कौन खाएगा, कहती थी हम खुद खा लेंगे। दूध भिगो के खा लेती थी लेकिन बनाती थी। किचन में इंटरेस्ट था, शुरू से ही था। रश्मि ने बोला है कि आपने अपनी बेटी को इतनी अच्छी शिक्षा दी, कैसे दी हमें भी बताइए, हमें भी अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देंगे, लॉट्स ऑफ लव टू आंटी जी। तो आपको भी ढेर सारा प्यार मम्मी की तरफ से, बताइए। अब अच्छी शिक्षा तो भाई सोचा था कि बच्चों को अच्छी शिक्षा अच्छे संस्कार देना है, अब दे दिया, कैसे ख्याल आया। ये नहीं याद है, तो ये ऊपर वाले की कृपा है। थैंक यू आपको इतना सारा प्यार देने के लिए और तारीफ करने के लिए। मोनिका ऑर्गेनिक लाइफ ने बोला है कि मतलब मेरे बारे में बोला है, शी इज द मोस्ट हम्बल लेडी, थैंक्स फॉर गिविंग हर टू अस। तो उन्होंने आपको थैंक यू बोला है कि आपने प्रियंका जैसी बेटी हम सबको दी और हम बहुत हम्बल हैं, इनके साथ हमने काम किया हुआ है, कोलैबोरेशन किया हुआ है, तो उन्होंने बोला है थैंक यू। रुद्रा यादव ने पूछा है, पहले तो मम्मी जी को प्रणाम, मम्मी जी आप बताइए प्रियंका जी बचपन में कितनी शैतान थी? बहुत ज्यादा शैतान थी, इनकी शैतानियां मैं गिना नहीं सकती। श्री राम राजपूत स्टोर ने पूछा, इतने अच्छे संस्कार दिए आंटी ने,
उनसे क्या सवाल करे भला, तो उनको कोई सवाल नहीं है, थैंक यू। अच्छा शालिनी जी ने पूछा, ये थोड़ा झगड़ा लगाने वाला क्वेश्चन है, कि किसको ज्यादा प्यार करती हैं, आपको या भाई लोगों को? देखिए तीनों बच्चे हमारे दिल के तीन टुकड़े हैं, मैं तीनों के बगैर अपना अस्तित्व तो कभी महसूस नहीं कर सकती, लेकिन बेटियां थोड़ा ज्यादा करती हैं। वैसे मम्मी ना बहुत डिप्लोमेटिक है, ये मेरे बगल में बैठी हुई ना बेटियां करीब है, जब पुणे वाले भाई के पास जाएंगे तो वो करीब हो जाएगा, अभी गौरव के पास जाएंगे तो वो करीब हो जाएगा, तो फिलहाल तो हम ही करीब है क्योंकि हम बगल में क्योंकि हम करीब है, उसमें भी दो अर्थ छुपे हुए हैं। तो ये वाली आदत ना डिप्लोमेसी इन्हीं से सीखी है हमने भी, सबको खुश रखने की जो एक टेक्निक है कि कोई दुखी ना हो जाए, तो इनसे सीखा है हमने। साले चापायल स्टार्टिंग से इतनी कूल नेचर की थी दीदी क्या? नहीं थोड़ा गुस्से वाली भी थी, कूल तो है ही, गुस्से बहुत थे। अभी थोड़ा सा कंट्रोल किया है खुद को, गुस्सा जब आता था ना बड़ा भयंकर वाला आता था, तो इनको तो सब पता है, हम समझा ले जाते थे, मान जाती थी, इनकी बात ही मानते थे बस हम, और इनके बाद हस्बैंड और किसी की बात हम कभी मानते नहीं थे। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसका, इसलिए पार्ट टू लेकर के आऊंगी, तो पार्ट टू टू बी कंटिन्यूड रहेगा, आप उसको देखिएगा, अपना प्यार दीजिएगा।